अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 5 मई को चेन्नई के साथ होने वाले मैच के लिए पंजाब की टीम कल धर्मशाला पहुंच गई है। वहीं चेन्नई की टीम आज धर्मशाला पहुंचेगी। धर्मशाला में पंजाब और चेन्नई के बीच 5 मई रविवार को आईपीएल का मैच खेला जाएगा। चेन्नई की टीम कल दोपहर 1:30 बजे धर्मशाला पहुंचेगी। इसके अलावा 6 मई को आरसीबी की टीम 1 बजे गगल हवाई अड्डे पर उतरेगी। पंजाब किंग्स 11 की टीम कल दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक एचपीसीए स्टेडियम में अभ्यास करेगी। 4 मई को भी पंजाब की टीम 2 से 5 बजे तक अभ्यास सत्र में भाग लेगी। चेन्नई की टीम शाम 6 से रात 9 बजे तक अभ्यास सत्र में पसीना बहाएगी और इसके अलावा 5 मई को दोनों टीमों के बीच मैच खेला जाएगा। 6 मई को रेस्ट डे होगा और इसके अलावा 6 मई को पहुंचने वाले रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम 7 और 8 मई को दोपहर में अभ्यास करेगी और पंजाब की टीम शाम को अभ्यास करेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन जी। विपिन, 5 और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में आईपीएल के मैच खेले जाने हैं, किस तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बता दें कि 5 और 9 मई को जो धर्मशाला में 2 आईपीएल के मुकाबले होंगे, इसको लेकर के दर्शकों में काफी उत्साह है और टिकट लेने के लिए जो है टिकट काउंटर पर मारामारी साफ तौर पर देखी जा सकती है। पिछले कल से ही भीड़भाड़ से जो है ऑफलाइन टिकट की बिक्री शुरू हुई है और इसको लेकर लंबी कतारें जो है दर्शकों की टिकट की लेने के लिए देखी जा रही है। आज जो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है करीब 1:05 पर गगल हवाई अड्डे पर जो है पहुंचेगी और जो पंजाब की टीम है वो पहले ही धर्मशाला जो है वो पहुंच चुकी है। तमाम तैयारियां जो है मैच को लेकर पूरी की जा चुकी है और हर तरह से दर्शक जो है इस मैच को लेकर काफी उत्साहित जो है नजर आ रहे हैं। कारोबारियों में भी इसको इस मैच से जो है काफी उत्साह जो है नजर आ रहा है क्योंकि वीकेंड भी है और ऐसे में एक जो मुकाबला है यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलेगा। पंजाब की टीम की यदि बात करें तो इस वक्त वो 7वें पायदान पर अंक तालिका में मौजूद है। ऐसे में यहाँ के दो मुकाबले जो है पंजाब के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। जी जी विपिन, धर्मशाला जो है बेहद ही खूबसूरत स्टेडियम माना जाता है और यहाँ पर मैच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिलता है। काफी संख्या में जो पर्यटक है वो भी मैच देखने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि धर्मशाला में जो है एक साथ 3 बड़े आयोजन जो है इस वक्त हो रहे हैं, जहां एक और राष्ट्रपति का दौरा है, वहीं आईपीएल मैच और राधा स्वामी सत्संग के चलते जो है काफी भारी संख्या में है पर्यटक जो है धर्मशाला और जिला कांगड़ा का रुख जो है वो कर चुके हैं। इसी के मद्देनजर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है पुलिस प्रशासन की ओर से और सुरक्षा एजेंसी की ओर से किए गए हैं। करीब 1100 पुलिस जवान और अधिकारी जो है सुरक्षा व्यवस्था का जो जिम्मा है उसे संभाले हुए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस की पहली नजर है। सीसीटीवी के माध्यम से भी जो है वो निगरानी की जा रही है। इसके अलावा मैच और राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जो है पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियों पर जो है पूर्णतः जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा की चूक जो है वो देखने को ना मिले और जो कार्यक्रम है वो अच्छे से संपन्न हो। जी जी विपिन, तमाम जानकारी के आपका बहुत बहुत शुक्रिया।